इसराइल के गाजा पट्टी बॉर्डर पर हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होते थे, यानी आर्मी की गाड़ियों का मूवमेंट है, टैंक्स, गाड़ियां और बाकी तमाम आर्टिलरी गन्स वगैरह को लाया ले जाया जा रहा है, उनको फिक्स किया जा रहा है। इसराइल अपने ऑपरेशन को तेजी से क्यों अंजाम नहीं दे पा रहा है, या जो ग्राउंड से लड़ाई लड़नी है उसमें तेजी क्यों नहीं दिखा रहा है? उसकी असली वजह है कि जिन लोगों को हमास ने गाजा इलाके में बंधक बनाया है, उन लोगों की जान को खतरा होते हुए जानकर इसराइल ये कदम तेजी से नहीं बढ़ा रहा है और एक तरह से नेगोशिएशंस का दौर जारी है। लेकिन हमास भी ऐसा बताया जा रहा है और लोकल मीडिया के हवाले से जो पता लग रहा है कि कुछ ऐसी शर्तें रख रहा है कि जो इसराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीन के टेररिस्ट या फिर गाजा के जो टेररिस्ट या हमास के जो टेररिस्ट हैं उनको छोड़ने को लेकर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। और ये नहीं चाहता इसराइल किसी भी हालत में कि अगर वो एक अग्रेसिव स्टेप उठाकर जिस तरह से बम्बारमेंट कर रहा है उसी हिसाब से अगर अभी तुरंत गाजा पट्टी को कब्जा करने के लिए निकल पड़ते हैं तो उससे हो सकता है कि जो होस्टेज हैं खुद भागने से पहले उन सभी को कत्ल कर दिया जाए। हालांकि हमास ने जिस तरह से युद्ध के या लड़ाई के सारे नियम तोड़े हैं उसे देखकर इसराइल के लोग इस बात की कामना उम्मीद कम ही कर रहे हैं कि जिन लोगों को बंधक बनाया गया है वो सभी के सभी सही सलामत होंगे। लेकिन इसराइल सरकार आखिरी वक्त तक ये तय कर लेना चाहती है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए अगर कोई भी बातचीत होती है तो उस बातचीत के जरिए मसला हल कर लिया जाए और जो निर्दोष लोग, चाहे वो पार्टी से हो चाहे फिर अलग अलग जगहों से जो उठाकर वो अपने साथ ले गए थे जिनको उन्होंने बंधक बनाया है, उनको हमास के कब्जे से किसी तरह छुड़ा लिया जाए। लेकिन ये संभव हो पाता है या नहीं ये तय होना भी बाकी है। इसीलिए जो ऑपरेशन आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं सेना का, ये यहाँ जमा तो हो रहा है लेकिन इसको कब उस टेरिटरी में बढ़ना है इसकी केवल तैयारी की जा रही है। जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया है उसे देखते हुए इन गाड़ियों की मूवमेंट गाजा पट्टी बॉर्डर पर ये तो दर्शा रही है कि इन गाड़ियों को किसी भी पल आगे बढ़ने का हुक्म मिल सकता है। लेकिन ये हुक्म कब मिलेगा उन बंधकों के बारे में सोचकर इसराइली सरकार और जो तमाम पश्चिमी वर्ल्ड और खाड़ी देशों के लोग इसमें मीडिएटरशिप करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब की रजामंदी पर निर्भर करता है। हाँ, बंधकों की सलामती सबसे बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इसी को देखते हुए शायद इजरायली फोर्सेस जितनी मजबूती जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं उनको थोड़ा आहिस्ता चलना पड़ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, अब इन फोर्सेस को आगे जाने का हुक्म सरकार से किसी भी पल मिल सकता है। लिहाजा बंधकों की चिंता में अभी इनका पड़ाव गाजा पट्टी के बॉर्डर पर है। तेल अवीव से अश्कलोन होते हुए हमारा सफर शुरू हुआ है सिदरौत की तरफ। सिदरौत वो बॉर्डर का एरिया है जहां से गाजा की फेंसिंग को क्रॉस करके सिदरौत में आने वाले हमास टेररिस्ट ने किस तरह से आम लोगों पर गोलियां बरसाई थी, खून खराबा किया था, कत्लेआम किया था। ये देखिए, ये वही रास्ता है नेतिवोत और सिदरौत की तरफ जाने वाला। इस रास्ते पर आमतौर पर पुलिस की आर्मी की गाड़ियां ही मिलती हैं। आसपास खेत हैं और खेतों में खूब सारी फसल इस इलाके में की जाती है। पानी की कमी के बावजूद यहां ड्रिप इरिगेशन का एक शानदार नमूना देखने को मिलता है कि ड्रिप इरिगेशन से कितने बड़े बड़े खेतों को सींचा जाता है। लेकिन आज हम यहां इसराइल की इस खेती को क्यों देख रहे हैं, इसराइल के इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये उसी रास्ते में पड़ते हैं जहां तक पहुंचने के लिए हमें सिदरौत से होकर जाना पड़ता है। और सिदरौत वही जगह है जो गाजा पट्टी के बॉर्डर के करीब पड़ती है और बेरी हो, गाजा पट्टी के वो भी करीब है, या सिदरौत हो, इन तमाम जगहों पर आकर हमास के आतंकियों ने फायरिंग की, बेगुनाह बेकसूर लोगों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा। और अब उन्हीं इलाकों में बड़े इजरायली सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं और उन ऑपरेशंस को बैकअप के तौर पर अमेरिकन आर्मी यहां मिडल ईस्ट में अलग अलग जगह पर पहुंची है, चाहे वो समुद्र की बात करें या फिर जमीन की। काफी बड़ी संख्या में इजरायली गन्स फिट की गई। अब एक बार फिर देखिए, एक बार फिर वो गोले छोड़े जा रहे हैं। इस एरिया में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन आर्मी का ये पूरा डिफेंस लाइन है जो कि तेल अवीव को जोड़ने वाले
हाईवे पर बनाया हुआ है, और ये हाईवे जो है ये जोड़ता है नेतिबो और तेल अबीब को, तेल अबीब और नेतिबो को जोड़ने वाले हाईवे पर इस तरफ गाजा है, और ये पूरी डिफेंस लाइन जो है ये तैयार की गई है इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से। ये यहाँ पर कुछ टाइम पहले तक ये देखिए ये सारे मोर्चे जो लगाए गए थे ये इसीलिए लगाए गए थे ताकि टैंक्स के गुजरने की जगह बन सके। अब यहाँ से उनका पड़ाव आगे चला गया है, इसीलिए ये जगह को जो बैकअप में आर्मी आती है उसके लिए तैयार करके रखा जाता है। लेकिन हवा में ये जो गोले दागे जा रहे हैं, जो रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, उनका ये धुआं आप साफ देख सकते हैं। इस तरह की बम्बारमेंट रुक रुक कर हर 5-10 मिनट बाद जारी रहती है, क्योंकि इजरायली सेना ने ये सीधा ऐलान किया है कि हमास को ख़त्म किया जाएगा, और हमास के खात्मे का जो ऑपरेशन, जो युद्ध है, वो इजरायल की ज़मीन से गाज़ा की तरफ शुरू हुए आज 8 दिन हो चुके हैं।